नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। कांग्रेस को कमबैक करने के लिए, फिर से सत्ता में आने के लिए, वैसे यह हास्यास्पद बात है कि कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए, कांग्रेस को अपने कुछ विधायकों की गिनती बढ़ाने के लिए, कांग्रेस को अपने सांसदों की गिनती बढ़ाने के लिए सत्ता में आना भी बहुत दूर का मसला है। तो हमने कहा कि यही सही रहेगा कि अपने विधायकों और सांसदों की गिनती बढ़ाने के लिए कोई बड़ा मुद्दा चाहिए, कोई अद्वितीय मुद्दा चाहिए, जिसको बोलते हैं यूनिक मुद्दा चाहिए है, जिसके पीछे वाकई में जनता चलना पसंद करे। देखिए, महंगाई की बात करके कांग्रेस ने देख लिया कि किस तरह के परिणाम आए। घोटाले की बात भी खूब करी, लेकिन वह मुद्दा उन्हें नहीं मिल पा रहा है जिससे एक चक्रव्यूह तैयार किया जाए, उसमें भारतीय जनता पार्टी फंस जाए, वह बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा। लेकिन मौजूदा समय में शायद अब कांग्रेस को लगता है कि हमें वह मुद्दा मिल गया है जिससे एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जा सकता है जिसमें फंसकर बीजेपी फिर से निचले पायदान पर पहुंच जाएगी। वह मुद्दा है अग्निपथ योजना, अग्निवीर। अग्निवीरों को लेकर तमाम बातें कहीं कांग्रेसी नेताओं ने जंतर मंतर में, दिल्ली के जंतर मंतर में, वहां भी सत्याग्रह किया। और सचिन पायलट भी काफी आक्रोश में नजर आ रहे थे। और जब राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुलाया, तब भी सचिन पायलट लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन सचिन पायलट को अब शायद कोई फल मिलने जरूर वाला है। और राहुल गांधी ने कहा भी था कि गहलोत के बाद तो आप ही विकल्प हैं। तो सचिन पायलट लगातार लगे हुए हैं। लेकिन जो बात हम कर रहे हैं सत्याग्रह की, अग्निपथ को लेकर, अब देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है कांग्रेस। देश भर में सत्याग्रह करेगी, जहां जहां भी कांग्रेसी हैं, जिस जिस क्षेत्र में हैं, यदि बचे रह गए हैं, दूसरी पार्टियों में ना गए हो, बचे रह गए हैं, तो वह सत्याग्रह करेंगे। और इस सत्याग्रह को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या इसके परिणाम सुखद होंगे? क्या आने वाले अन्य जगह के चुनावों में, चाहे वह गुजरात हो या राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, क्या कांग्रेस सफलता प्राप्त कर पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अग्निपथ को लेकर भी देश की सारी जनता में रोष नहीं है। मैं आपको बता दूं, तमाम ऐसे लोग हैं और तमाम सोशल मीडिया में ऐसे पोस्ट देखे जा रहे हैं जो अग्निपथ योजना के लाभ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो भले ही आंदोलन देशव्यापी हो सकता है, लेकिन यह समस्या देशव्यापी नहीं है। मुझे नहीं लगता, कुछ कम लोगों की यह समस्या है। और यह समस्या मात्र से भारतीय जनता पार्टी को उसकी सत्ता से बेदखल कर दिया जाए, यह मुझे नहीं लगता। शायद कांग्रेस को लगता हो। और आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।